नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे पर किए लगभग 400 करोड़ के विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास। दो दिवसीय डिजी फेस्ट का भी किया शुभारंभ। विदेशी सैलानियों को पसंद आ रहा है इंदिरा रसोई का खाना। इतने कम पैसे में बेहतरीन खाना खाकर हुए रोमांचित। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत जोधपुर से 561 तीर्थ यात्रियों को लेकर गंगा सागर के लिए ट्रेन हुई रवाना। अगली ट्रेन 21 नवंबर को बीकानेर से रामेश्वरम के लिए होगी रवाना। जोधपुर में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डिजी फेस्ट आईटी जॉब फेयर का शुभारंभ किया। डिजी फेस्ट आईटी जॉब फेयर में युवाओं को आईटी के क्षेत्र में करियर बनाने के कई बेहतरीन मौके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस फेस्ट में देश की नामी गिरामी आईटी कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जो कि युवाओं के इंटरव्यू लेकर उन्हें जॉब ऑफर देंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की भी मंशा है कि राजस्थान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सिरमौर बने, साथ ही यहां युवाओं को आईटी के क्षेत्र में बेहतरीन मौके मिल सके। 13 नवंबर तक इस डिजी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ये जो एग्जीबिशन लगी है आईटी बेस्ड और जो स्टार्टअप किए बच्चों ने, नौजवानों ने, वो बहुत भले की बात कर रहे हैं। एक प्रयोग है जयपुर में हुआ और यहाँ पे हो रहा है। यहाँ करीब 250 कंपनी आई है जो सभी जने नौकरी देने के लिए इंटरव्यू ले रही है। 500 बच्चों को नौकरी मिल चुकी है। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों को लेकर बेहतरीन काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जोधपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया, साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राजस्थान में खेलों का बेहतर माहौल बना है और खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। टैलेंट जो है राजस्थान में कभी नहीं, टैलेंट की प्रतिभाओं की, और इसीलिए हम लोगों ने जो ग्रामीण ओलंपिक, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया, पूरे देश के अंदर भी चर्चा है। शहर के नौजवानों को क्योंकि 26 जनवरी से शहरों के अंदर भी ओलंपिक, वैसे ही जैसे ग्रामीण हुआ है आगे राजस्थान होगा। और मुझे खुशी है कि जो टैलेंट सर्च होगा तो पूरी तरह सरकार प्रयास कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने फिनटेक यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि जोधपुर में 600 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करवाया जा रहा है। गौरतलब है कि फिनटेक राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी, जिसमें आईटी से रिलेटेड हाईटेक कोर्स होंगे। 600 करोड़ की लागत से यहाँ पर मैं फिनटेक यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ या संस्थान बना रहा हूँ, मंडोर नागौर रोड पे बना रहे हूँ, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत शुक्रवार को जोधपुर के भगत की कोठी से गंगा सागर कोलकाता के लिए ट्रेन रवाना हुई। जोधपुर से कुल 561 यात्री सवार हुए। जोधपुर से रवाना हुई ये ट्रेन जयपुर जाएगी, जहां जयपुर संभाग के कुल 404 यात्री गंगा सागर कोलकाता के लिए सवार होंगे। मैं अपनी मम्मी को यहाँ छोड़ने आई हूँ और ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एहसान है कि भाई वृद्धजनों को या अच्छा मौका मिल रहा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की ओर से प्रदेश में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि अब विदेशी सैलानियों को भी खूब पसंद आ रही है। जोधपुर के घंटाघर क्षेत्र में संचालित होने वाली इंदिरा रसोई में लोग पहुंच रहे हैं। ये पर्यटक इतने कम दाम पर खाना मिलने पर हैरत में पड़ रहे हैं। उनका मानना है कि ये एक बेहतरीन सुविधा है आम जनता के लिए। We haven't found anywhere better than this. Yeah. It's really cool. Ashok Gehlot. Ashok Gehlot. Very, very good. Thank very amazing idea. Thank you so much. सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।